भारत माता की, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आम आदमी पार्टी के हमारे सारे माननीय विधायकगण, पार्षद, हमारे कार्यकर्ता साथी, सबसे पहले अपने नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के संघर्षों के लिए, उनके जज्बे के लिए, उनकी लड़ाई के लिए और उनकी बहादुरी के लिए जोरदार तालियां बजा के एक बार उनका अभिनंदन कीजिए। साथियों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को झुकाने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 1000 कुचक्र रचे, लेकिन उस कुचक्र को तोड़ने का काम आप लोगों ने किया, केजरीवाल जी के अगुवाई में किया। इसके लिए आप सबको नमन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। बड़ी बड़ी पार्टियां टूट गई, विधायकों की खरीद फरोख्त हुई पूरे देश में, सरकारों को गिराया गया, ईडी का डर दिखाया गया, सीबीआई का डर दिखाया गया और अब तो देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि मोदी और अमित शाह का तोता है सीबीआई और ईडी, तोता है तोता। अमित शाह के कहने पे, मोदी के कहने पे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येन जैन को गिरफ्तार किया गया, मुझे 6 महीने जेल में रखा गया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है संघर्षों की भट्टी में तपकर्ण बनी हुई पार्टी है, संघर्षों के कोख से, आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी भी कोशिश बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करेंगे, ये आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, और मजबूती से आगे बढ़ेगी और मजबूती से हम आगे मिलकर लड़ेंगे इनके खिलाफ। मैं आज के दिन भाजपाइयों की मानसिकता पे, उनकी बुद्धि पे मुझे दया भी आती है और तरस भी आती है, दया भी आती है और तरस भी आती है। अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जरा सी भी शर्म हो भाजपाइयों तो अपने चेहरे पे कालिक लगा के और अमित शाह का इस्तीफा मांगो, देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगो जिसके कहने पे केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था।